खान साहब अल्लाह उनको जजाए खैर दे, पठान थे, मेरे रास्ते मिले जमात में, उन्हें दो नसीहतें की थी, वो आखिरी नसीहतें मैं आपको भी करता हूं, उसके बाद दुआ करते हैं। दो नसीहतें उसने मुझे की, ये कोटली में मैं और सईद अनवर एक जमात में चिल्ला लगा रहे थे, तो वहां साल की एक जमात आई एक मस्जिद में, तो सब पठानों की जमात थी। तो एक पठान बड़ा खूबसूरत, बड़ा नूरानी चेहरा उसका, तो मैं ऐसे लेटा हुआ था, कारपेट सा, कारपेट टाइप था, कारपेट ही कह सकते हैं उसे, वैसे सफ सी थी वो, उसमें लेटा हुआ था। तो उसने देखा कि, और मुझे कुछ दो तीन लड़के ना दबा रहे थे, तो उस पठान ने देखा, उसने कहा बुजुर्ग टाइप आदमी लगता है, तो इसको मैं उठा के कोई, मैंने उसने कहा बाबूजी उठो तुम्हें दो बातें बताऊं बड़ी कीमती। मैंने कहा पठान आदमी है क्या बताए, हम क्या समझते हैं पठान, इसने क्या बताना है। तो मैंने कहा यार लेटे बताओ यार तुम क्या बताना है। तो उसको भी उसने कहा, उसको समझ गया कि जरा दिमागी तौर पर इतना ठीक नहीं है। उसने कहा कि बाबू साहब एक बात तो ये है कि कभी थोड़े से मजे के लिए गुनाह न करना, थोड़े से मजे के लिए गुनाह न करना, क्योंकि मजा खत्म हो जाएगा गुनाह बाकी रह जाएगा। मैंने जब उसकी ये बात सुनी उठ के बैठ गया एकदम। मैंने कहा फिर बताओ क्या कहा। उसने कहा मैंने कहा थोड़े से मजे के लिए कभी गुनाह ना करना, मजा खत्म हो जाएगा, गुनाह तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे साथ चलेगा। मजा तो कितनी देर, गुनाह का मजा कितनी देर चलेगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर गुनाह चलेगा तुम्हें कहां तक चलेगा, कब्र में तुम्हारे साथ जाएगा, हश्र में तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जहन्नम में छोड़ के आएगा वो मजा। मैंने कहा दूसरी बात बताओ। उसने कहा बाबू साहब दूसरी बात यह है कि कभी कभी थोड़ी सी मुशक्कत के खौफ से, कभी थोड़ी सी मुशक्कत के खौफ से नेक अमल ना छोड़ना, क्योंकि मुशक्कत खत्म हो जाएगी अमल बाकी रह जाएगा, अमल तुम्हारे साथ चलेगा। रात को कभी उठने को दिल ना चाहे नमाज पे, तहज्जुद पढ़ने को दिल ना चाहे, तो ये याद कर लेना ये मुशक्कत खत्म हो जानी है, लेकिन ये अमल साथ चलेगा, कब्र में साथ खड़ा होगा, हशर में साथ खड़ा होगा, जन्नत में छोड़ के आएगा।